नगर निगम मंडी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकल्प पत्र का विमोचन किया। संकल्प पत्र का विमोचन करने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में मंडी के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि मंडी नगर निगम के गठन से मंडी में विकास को गति मिलेगी व मंडी नए आयाम स्थापित करेगा। कॉर्पोरेशन के जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और उसके प्रचार के अभियान में आज कल हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मंडी में कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचार के अभियान में हम शायद में कहीं 6 जगह 7 जगह 7 कार्यक्रम आज करके आए हैं सुबह से, और सातों कार्यक्रम में जो माहौल हमने देखा है, उत्साह देखा है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है, ऐसा प्रतीत होता है। मंडी की लोगों की भावनाएं थी कि मंडी शहर बढ़ रहा है, शहर बड़ा हो गया, शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके समाधान की दृष्टि से कुछ और काम करने की ज़रूरत है, और उस दृष्टि से शहर के साथ वाला इलाका भी जोड़ करके हमने ये कॉन्फ्रेंस जो बनाई है, उसमें हमने एक बात जरूर कही है कि हम पूरा मंडी का एक मास्टर प्लान बना कर, भले ही उसमें वक्त लग जाए, लेकिन एक प्लान वे में जो चीज़ें की जा सकती है वो करने की हम कोशिश। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। ईटीवी भारत के लिए मंडी से धर्मवीर।